सो फ्रेंड्स, मैं हूँ यश और आज मेरे पास है ये लाइटर जिसे अक्सर लोग डेली यूज में भी काम लेते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह के अंदर। तो गाइस, आज हम इसके साथ करने वाले हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसका टाइमिंग टेस्ट कि ये कितनी देर चल पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें बढ़ जाती है LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आज हम इस चीज़ का पता लगाने वाले हैं कि इसमें ये गैस कितनी देर चल पाती है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं इसके लिए यूज लेने वाला हूँ 3 लाइटर्स का, कुछ इस तरह के हुक्स का और 1 लकड़ी के पीस का। तो मैं सबसे पहले इनका सेटअप तैयार कर लेता हूँ। मैंने इसका पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 लाइटर लिए हैं, यानी कि मैं एक को सेट करने वाला हूँ बिल्कुल स्लो पे, तो इसको स्लो पे कर देता हूँ, दूसरे को मीडियम पे और तीसरे को फास्ट पे। तो तीनों सेट हो चुके हैं और मैं इनको कैलकुलेट करने के लिए यूज देने वाला हूँ इस टाइमर का। तो पहले इनको चालू कर लेते हैं, पहले स्लो वाले को, तो उसको दबा देते हैं, ये जल गया, और मीडियम और अब फास्ट, और टाइमर भी चालू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टाइमर चालू हो चुका है और अब वेट करते हैं। तो अंदर का पूरा प्लास्टिक मेल्ट हो गया। इसमें क्या हुआ? सेम थिंग गाइस, इसका भी पूरा प्लास्टिक मेल्ट हो गया। गर्म है काफी, लेकिन ये अभी तक भी जल रहा है। इन दोनों की तो वाट लग गई और अभी तक भी टाइम केवल 2 मिनट और 43 सेकंड है। ये भी बंद हो गया, यानी ये भी मेल्ट हो चुका है। या ये भी मेल्ट हो गया और टोटल टाइम हुआ है 4 मिनट और 53 सेकंड। तो बंद कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ होता है जब हम लाइटर को लगातार चलाते हैं, यानी कि इसकी वाट लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है।
इनकी भी कुछ ऐसी हालत है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों मेल्ट हो चुके हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि हम लाइटर को लगातार नहीं चला सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सब अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।